बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं काजोल नारा। इस वक्त की बहुत बड़ी जानकारी उत्तर प्रदेश के आगरा से मिल रही है, जहां जहरीली शराब पीने से 8 लोगों की जान चली गई है। उत्तर प्रदेश में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, उत्तर प्रदेश में इससे पहले भी कई जिलों में जहरीली शराब पीने से लोगों की जान चली गई है। उस वक्त तो प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो जाता है और कार्रवाई की जाती है, आबकारी विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो जाता है, जगह जगह छापेमारी की जाती है, और ऐसा ही इसी मामले में हुआ है। पहले तो प्रशासन ये कह रहा था कि जो लोगों की जान गई है वो बीमारी की वजह से गई है, ना कि जहरीली शराब पीने से, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है और ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि जो जान गई है वो जहरीली शराब पीने से गई है। परिजनों का लोगों पर बुरा हाल है और अब आबकारी विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। जगह जगह छापेमारी की जा रही है, जो अवैध शराब की भट्टियां हैं उन्हें तोड़ा जा रहा है, साथ ही साथ जो हत्थे चल रहा है माफिया, शराब माफिया, उसको पकड़ा जा रहा है, पूछताछ की जा रही है। उत्तर प्रदेश में लगातार योगी सरकार ये कहती हुई नजर आती है कि माफियाओं का राज जो है वो पूरी तरह से खत्म किया जाएगा, लेकिन कार्रवाई होने के बावजूद भी प्रशासन की ढिलाई के चलते ऐसे माफिया बढ़ रहे हैं, उनके हौसले लगातार बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इनकी भेंट जो है वो आम आदमी चढ़ रहा है। जहरीली शराब पीने से आगरा के अलग अलग इलाकों में कई लोगों की जान जा रही है। फिलहाल आंकड़ा 8 तक पहुंचा है, लेकिन आने वाले समय में अगर ठीक तरीके से कार्रवाई नहीं की गई तो यह आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। इससे पहले अलीगढ़ हो या फिर मेरठ हो, मुजफ्फरनगर हो या फिर गोरखपुर हो, यहां पर भी अगर 2019 की मैं बात करूं, 2020 की करूं या 2018 की करूं, शराब माफिया पूरी तरह से अलर्ट है और कुछ पुलिसकर्मियों की वजह से शराब माफिया जो है वो पूरी तरह से उनके हौसले बुलंद हो जाते हैं। जहरीली शराब बनती है, जहरीली शराब बिकती है, जहरीली शराब खरीदी जाती है, उसके बाद नतीजा क्या होता है वो आगरा जैसी जगह से आपको पता चल रहा है, क्योंकि ताजा मामला, इससे पहले भी इस तरह के तमाम मामले सामने आ चुके हैं। फिलहाल पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर काम कर रहा है और ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। आप नजर स्क्रीन पर भी देखेंगे कि किस तरह की कार्रवाई की जा रही है, लगातार जितनी भी भट्टियां हैं उन्हें पूरी तरह से तोड़ा जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, अवैध शराब लगातार बनाई जा रही है, अवैध शराब की भट्टियां लगाई जा रही है, चोरी छुपे सारे कारनामे किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं पुलिस की मिलीभगत जो है वो सामने आती है। प्रशासन अब पूरी तरह से अलर्ट है क्योंकि रिपोर्ट सामने आ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि जहरीली शराब पीने से लोगों की जान गई है। अभी तो चेकिंग की जा रही है, अभी तो अभियान चलाए जा रहे हैं, भट्टियां तोड़ी जा रही है, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जो माफिया उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन अक्सर हमने देखा है कि जब जब मामले गर्म होते हैं तब तो कार्रवाई की जाती है, लेकिन जब मामले ठंडे हो जाते हैं तो ये ठंडे बस्ते में ही चले जाते हैं। अभी ये दो अलग अलग थाना क्षेत्र में घटना का सूचना प्रकाशित हुआ है। एक जो ताजगंज थाना क्षेत्र में, वहां पुलिस को दो लोग का सूचना मिली थी, उसके दोनों को पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम में एक आदमी क्रोनिक लंग डिजीज है, दूसरा का कास्ट अभी क्लियर नहीं है, उसके विजरा प्रिजर्व है। वो भी घटना 3 दिन पहले हो चुका है और पर 2 दिन पहले दलखी थाना क्षेत्र में 3 लोग को सूचना मिली थी पुलिस का, पुलिस ने 3 लोग का पोस्टमार्टम कराया। उसका पोस्टमार्टम करने से पुलिस ने वहां पे जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट डॉक्टर ने क्लियरली बताई, उसको कोई स्पीरियस लेकर के कोई सिम्टम्स नहीं है, प्रीवियस में कास्ट अपडेट अनसर्टेन होते हुए उसको विजरा प्रेजर का, विजरा का जल्दी से जल्दी एफएसएल से रिपोर्ट ले लेंगे, विजरा में कोई चीज आती है उसको उसके आधार पर आगे कार्रवाई करेगी पुलिस। तो आगरा का ये पूरा मामला है, किस तरह से लगातार जो शराब माफिया है उनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। आगरा के अलग अलग गांव से इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही है। यहां पर लोग जहरीली शराब पीने से मौत को गले लगा रहे हैं। हालांकि एक जिम्मेदार नागरिक होके हमें भी ये देखना चाहिए कि जहां पर अवैध रूप से शराब बन रही है या बिक रही है उनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, लेकिन कई बार किसी डर से लोग आवाज नहीं उठा पाते। लेकिन प्रशासन, मैं ये नहीं कह रहे कि सभी पुलिसकर्मी जो हैं वो भ्रष्ट हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो भ्रष्ट हैं और जिनकी वजह से, जिनकी मिलीभगत की वजह से ऐसे जो शराब माफिया हैं उनके हौसले बुलंद हो जाते हैं, उनका जो कारोबार है जो कि अवैध है वो फलता फूलता हुआ नजर आता है। और सिर्फ आगरा तक सीमित नहीं है, इसके अलावा तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर इनके पैर जो है वो लगातार पसारते हुए ये नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर पिछले महीने की मैं बात करूं तो पिछले महीने भी कुछ ऐसी तस्वीरें अलीगढ़ से सामने आई थी, उससे पहले भी
तस्वीरें जो हैं वो सामने आ चुकी हैं, कभी 4 लोगों की मौत, कभी 10 लोगों की मौत। और अगर 2 साल पहले की मैं बात करूं तो 2 साल पहले भी जहरीली शराब पीने से कई लोगों की जान चली गई थी, आंकड़ा 100 के पार था। योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले में खुद संज्ञान लिया था और उसके बाद लगातार ये अभियान चलाए जा रहे हैं कि जो भी अवैध रूप से शराब बेचेगा या भट्टियां लगाई जाएंगी उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। लेकिन शायद ये पुलिसकर्मी जो भ्रष्ट हैं कुछ एक, इनकी वजह से ऐसा नहीं हो पाता है और तमाम चीजों पर पानी फिरता हुआ नजर आता है। तमाम जो पुलिसकर्मी है जो कि पूरी तरह से भ्रष्ट है, वो इन शराब माफियाओं के हौसले बुलंद करवाते हैं, भट्टियां लगवाते हैं, चाहे वो जंगलों हो या फिर किसी इमारत में, बेसमेंट में इस तरह की भट्टियां लगाई जाती हैं ताकि पुलिस को भनक ना लग सके। लेकिन ऐसा नहीं होता, भनक पुलिस को लग जाती है और जो ऐसे प्रशासन के नुमाइंदे हैं जो वाकई ईमानदार हैं वो फिर एक्शन लेते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए राजकुमार तिवारी मेरे सहयोगी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजकुमार, जिस तरह की तस्वीरें आगरा से सामने आ रही है, अभी पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी अवैध शराब की भट्टियां आगरा में तोड़ी गई हैं, लेकिन उसके बाद भी शराब माफियों के हौसले बुलंद रहे और इसका नतीजा ये हुआ कि 8 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। करने की वाली बात है कि आगरा में 2 थाना क्षेत्रों में अलग अलग 8 से अधिक लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हुई है और उसके बावजूद भी आगरा प्रशासन ये मानने को तैयार नहीं है कि इनकी शराब के सेवन से मौत हुई है। प्रशासन का साफ तौर से कहना है कि इन लोगों का पोस्टमार्टम कराया गया है, उसमें बीमारी से मौत होना बताया जा रहा है, जहरीली प्रथम दृष्टा जहरीली शराब का होना नहीं पाया गया और इसी को लेकर प्रशासन लगातार जो मृतक के परिजन है उनसे संपर्क बनाया हुआ है, उनको समझाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन ग्रामीण जो परिजन है ग्रामीण है वो साफ तौर से प्रशासन के सामने है और उनका आरोप है कि इन्होंने सभी ने एक इलाके में से ही शराब खरीदने के बाद पी है, क्योंकि आगरा में ये पहला मामला नहीं है, पूर्व में भी जहरीली शराब से मौत होने का मामले आते रहे हैं और आगरा जिले के पड़ोस की बात करें तो अलीगढ़ में भी हाल में ही एक बड़ा मामला आया था। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जब ये मुद्दे उठ के आते हैं, शराब से मौत होती है और उसके बाद ही प्रशासन और पुलिस प्रशासन हरकत में आता है, तब कहीं छापेमार कार्रवाई करता है, उसके बावजूद पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात लगातार कही जा रही थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो सामने आ चुकी है और जो पुष्टि हुई है मौत की वो जहरीली शराब की वजह से हुई है। क्या डॉक्टर से आपकी बात हो पाई है, जिन अस्पतालों में पोस्टमार्टम किया गया है क्या वहां पर आपकी किसी से बात हो पाई है, परिजनों का क्या कहना है और क्या जिलाधिकारी SSP मौके पर पहुंचे हैं? जी बिल्कुल, आगरा SSP ने सबसे पहले आज सुबह बयान दिया था और उसमें साफ तौर से कहा था कि जिन लोगों के पोस्टमार्टम कराए जा चुके हैं डॉक्टरों के मुताबिक उनमें जहरीली शराब नहीं पाई गई, उनकी अन्य डिसीज जैसे लंग्स इंफेक्शन है या लंबे समय से फीवर आ रहा हो, ऐसी डिसीज से उनकी मौत हुई है। हालांकि आगरा के जो प्रशासनिक और पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं, ADG हैं, DM, SSP, IG खुद मौके पर हैं, गाँव में लोगों से बात कर रहे हैं, बाकी और लोगों के जो पोस्टमार्टम जो होना है उनकी बिस्तरा प्रजेक्ट कर लिया गया है, उनकी रिपोर्ट आना बाकी है। लेकिन 8 लोगों की मौत गंभीर बीमारी से अचानक से हो जाती है, ये कोई राज जैसा नजर आ रहा है। बिल्कुल सही सवाल किया, क्योंकि 8 लोगों की एक साथ मौत होना ये बीमारी की तरफ इशारा नहीं है, क्योंकि बीमारी से मौत नहीं है। इसी को लेकर ग्रामीण स्थानीय जो विधायक हैं वो इस पर अड़े हुए हैं कि इनकी मौत शराब के सेवन से हुई है और उसी को लेकर हालांकि प्रशासन इस बात को कह रहा है कि जहरीली शराब से इनकी मौत नहीं हुई है और लेकिन छापेमार कार्रवाई कल से उसने शुरू कर दी है और तमाम जो ठेकाए जहाँ शराब मिलती है उनको सील कर दिया है और जहाँ अवैध शराब बिकती है, कच्ची शराब बनाई जाती है। प्रशासन पर सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं, देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि प्रशासनिक अमला पूरी तरह से गलत है या सभी जो पुलिसकर्मी है वो भ्रष्ट है, कुछ ईमानदार भी है, लेकिन अगर जहरीली शराब पीने से इन लोगों की मौत नहीं हुई है, परिवार ये कह रहा है कि जहरीली शराब जब से पी है तभी से ही इन लोगों की हालत खराब हो गई थी और पोस्टमार्टम की अगर जैसा कि आप बता रहे हैं पोस्टमार्टम में भी डॉक्टर ये कह रहे हैं कि किसी बीमारी की वजह से इनकी जान गई है, तो फिर पुलिस इतनी चौकन्नी क्यों है, क्यों जगह जगह पर छापेमारी की जा रही है? बिल्कुल ये सही बात है कि प्रशासन जब मौत हुई है उसके बाद ही पुलिस लगातार छापेमार कार्रवाई कर रही है, पहले से नहीं किया है। ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि इन इलाकों में अवैध शराब की बिक्री पहले से होती आई है और स्थानीय पुलिस उन पर कड़ी कार्रवाई नहीं करती है और उसका नतीजा ये है कि 8 लोगों से अधिक लोगों ने जान गंवा दी, लेकिन प्रशासन अब अलर्ट दिखाई दे रहा है और जगह जगह छापेमार कार्रवाई कर रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल राजकुमार, लेकिन जैसा कि ये कहा जा रहा है कि जो लोगों की जान गई है वो जहरीली शराब से नहीं गई है,
है, लेकिन ये हम कैसे भूल सकते हैं कि आगरा से सटा अलीगढ़ जो है उसमें कितने लोगों की जान जो है जहरीली शराब पीने से गई है। मैं बात 2020 की करूं, 2021 की कर लूं या 2019 की कर लूं, 2019-2018 ये दोनों साल ऐसे थे जहां पर लगातार मामले सामने आ रहे थे उत्तर प्रदेश के हर एक जिले से, जहां पर जहरीली शराब पीने से लोगों की जान जा रही थी। योगी सरकार एक्शन मोड में थी, खुद योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया था। उसके बाद हमने देखा था कि आबकारी विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट है, पुलिस प्रशासन लगातार अभियान चला रहा है, जो अवैध भट्टियां हैं उन्हें नष्ट किया जा रहा है, लहनों को नष्ट किया जा रहा है, जगह जगह पर माफियाओं को पकड़ा जा रहा है। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि उन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद है? क्या पुलिस की मूली भगत हो सकती है? जी बिल्कुल, चंद कुछ लोग ऐसे हैं पुलिसकर्मी जो माफियाओं से मिले होते हैं और उन्हीं की सह पर ये धड़ल्ले से काम होता है। हम अन्य जिलों की बात न करके आगरा की बात करें, लगातार हर साल आगरा में भी जहरीली शराब से मौत के मामले सामने आते हैं। सरकार भी सख्त होती है और उसी समय जब ये घटना होती है उस समय भी आगरा प्रशासन भी सख्त दिखाई देता है, लेकिन बाद में जब ये मामले निकल जाते हैं तो पुलिस और आबकारी विभाग भी आंखें मूंद लेता है, लेकिन कुछ चंद कर्मचारी उनसे मिलकर और ये जो कारोबार है ये फलता फूलता रहता है, जिसकी वजह लोगों को जान गंवानी पड़ती है। बिल्कुल राजकुमार, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आगरा का ही पूरा मामला जो इस वक्त उत्तर प्रदेश में ही नहीं देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि 8 लोग जो हैं वो लगातार जान चली गई है उनकी और कहा जा सकता है कि जहरीली शराब पीने से लोगों की जान गई है। परिजन ये कह रहे हैं, लेकिन प्रशासन ये मानने के लिए तैयार नहीं है। प्रशासन ये कह रहा है कि यहां पर जो मौत हुई है वो लोगों की जहरीली शराब पीने से नहीं हुई है, बल्कि ये जान गई है गंभीर बीमारी की वजह से। यहां पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो भी सामने आ चुकी है, डॉक्टर्स का ये कहना है, लेकिन देखा जाए तो ये जो पूरा धंधा है अगर हम कहें अवैध शराब का, वो लगातार फलता फूलता नजर आ रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम देखें तो परेशानियां जो हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आबकारी विभाग जगह जगह छापेमारी कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो ये आगरा का ही पूरा मामला है जहां पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन प्रशासन ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि लोगों की जो जान गई है वो जहरीली शराब पीने से गई है। प्रशासन अब भी यही कह रहा है कि गंभीर बीमारी की वजह से लोगों की जान चली गई है। लगातार एक्शन लिया जा रहा है, अब देखना होगा इस पूरे मामले में क्या कुछ आगे कार्रवाई की जाती है, क्योंकि जो वहां के जिलाधिकारी हैं एसएसपी हैं वो अब इस पूरे मामले पर कुछ नहीं कह रहे। हालांकि कल एक बयान एसएसपी का जरूर सामने आया था जहां उन्होंने कहा था कि अभी हम इस पूरे मामले में गहनता से जांच कर रहे हैं, लेकिन जो स्थिति सामने आई है उससे यही पता चल रहा है कि लोगों की जो जान गई है वो गंभीर बीमारी की वजह से गई है, ना कि जहरीली शराब पीने से। तो अवैध शराब अड्डों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, जहरीली शराब पीने से 8 लोगों की जान चली गई, लेकिन प्रशासन ये मानने के लिए तैयार नहीं है, इसी वजह से पुलिस कार्रवाई कर रही है। अब इस पूरे मामले में क्या कुछ खुलासे होते हैं इस पर लगातार न्यूज वन इंडिया नजर बनाए हुए है, और जैसे जैसे अपडेट आता रहेगा न्यूज वन इंडिया आपको लगातार अपडेट देता रहेगा।